नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप इस समय विजिट कर रहे हैं दोस्तों बर्बरी कोचिंग का यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे बीच जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो बात करते हैं दोस्तों कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो कुल्लू जो जिला हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5,503 किलोमीटर स्क्वायर। कुल्लू अपने साथ दोस्तों 5 और जिलों की सीमा स्पर्श करता है, जो मैं आपको दोस्तों मैप में बताना चाहता हूं। देखिए यहां पे आपका दोस्तों कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू अपने साथ दोस्तों मंडी, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, 5 जिलों की जो सीमा है वो स्पर्श करता है। तो आप लिख सकते हैं कि कुल्लू किस किस के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, मंडी के बाद लिख सकते हैं कांगड़ा, और कांगड़ा के बाद आप लिख सकते हैं दोस्तों शिमला। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला और किन्नौर। यानी 5 जिलों के साथ जो है दोस्तों कुल्लू अपनी सीमा स्पर्श करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुल्लू में जो है आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जो दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसमें सबसे पहला जो है दोस्तों वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पूरे के पूरे जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं दोस्तों पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, उनकी संख्या है 5। तो उसमें से दोस्तों जो 3 नेशनल पार्क हैं वो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। और इन 3 में भी जो सबसे बड़ा, या इन 5ों में जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ही है। इसका जो टोटल एरिया है दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का, वो है दोस्तों 754 वर्ग किलोमीटर। 754 किलोमीटर स्क्वायर जो है दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो है एरिया है। इसके बाद दूसरा है दोस्तों इंदर किला। इंदर किला नेशनल पार्क, ये भी जो है दोस्तों आपका लाहौल स्पीति में ही है। और ये जो नेशनल पार्क बना था दोस्तों, ये 2010 में बना था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से और बताना चाहूंगा मैं। फिलहाल के लिए इंद्र किला के बारे में लिखिए। जो इंद्र किला नेशनल पार्क है दोस्तों, ये 2010 में नेशनल पार्क बना था, और इसका जो एरिया है दोस्तों वो है 104 किलोमीटर स्क्वायर। और जो तीसरा नेशनल पार्क है दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत फेमस जगह है कुल्लू में, खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क, ये जो खीर गंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, ये भी 2010 में बना था, और इसका जो एरिया है वो है 710 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए कुछ मैं आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बारे में बताना चाहूंगा। जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है दोस्तों, ये 1 मार्च 1984 को, 1 मार्च 1984 को जो है दोस्तों एक नेशनल पार्क बनता है। और साथ ही साथ इसे दोस्तों यूनेस्को की सूची में भी रखा गया है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को, केवल इसी की बात कर रहा हूं। तो 2014 में इसे दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। पूछा जाता है दोस्तों कि ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है उसे किस वर्ष यूनेस्को की सूची में डाला गया। तो दोस्तों 2014 में इसे जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। एरिया तो दोस्तों आपको जरूर पता रहना ही चाहिए, क्योंकि एरिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आपने ये ध्यान रखना है। आगे चलिए, कुल्लू से दोस्तों और भी आपको कई सवाल बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कुल्लू से ऐसा पूछा जा सकता है कि जो कुल्लू रियासत है दोस्तों, इसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है। तो दोस्तों कुल्लू की जो स्थापना की गई है वो की गई है विहंग मणिपाल जी के द्वारा। तो लिखिए
कुल्लू की जो स्थापना की गई है वो की है आपके विहंग मणिपाल। देखो जो आपका दोस्तों कंडक्टर का पेपर है वहां पर जो आपको एचपी जीके या बाकी जो इंडिया का जीके पूछा जाएगा दोस्तों वो इतना विस्तार से नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से पढ़ें या और विस्तार में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आपको हर बार बता रहा हूं ऑनलाइन कोर्स दोस्तों चला हुआ है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये आपके सामने मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा हूं, यहां पे दोस्तों आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी की पूरी दोस्तों डिटेल दी जाएगी, डेमो क्लास दी जाएगी और कंडक्टर का कोर्स भी दोस्तों इसमें चला हुआ है ना, जो पेड कोर्स रहेगा। तो कुल्लू के जो संस्थापक है दोस्तों उनका नाम है विहंग मणिपाल। दोस्तों ये जो विहंग मणिपाल है ये कुल्लू रियासत के संस्थापक तो है ही है, यानी फर्स्ट राजा है ना, पहले राजा जो कुल्लू के हैं वो है विहंग मणिपाल। अगर पूछा जाए कि ये जो विहंग मणिपाल है दोस्तों ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये जो विहंग मणिपाल है दोस्तों ये इलाहाबाद से। कहां से दोस्तों? इलाहाबाद के जो है दोस्तों आपके विहंग मणिपाल जी रहने वाले हैं। और जितने भी ये दोस्तों कुल्लू के निवासी हैं इनके दोस्तों एक कुल देवी है जिनको हम कहते हैं देवी हडिंबा। जिनको हम कहते हैं दोस्तों देवी हडिंबा। इस हडिंबा माता के टेंपल में दोस्तों जो मनाली में स्थित है यहां पर एक मेला लगता है, उस मेले का नाम है डुंगरी मेला। पूछा जाता है कि ये जो डुंगरी मेला है ये कहां पर लगता है, तो डुंगरी मेला जो है दोस्तों हडिंबा माता के टेंपल में लगता है। और आपको ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो हडिंबा माता का मंदिर है ये कब किसने बनाया, तो 1553 ईस्वी में दोस्तों राजा बहादुर सिंह जी के द्वारा ये बनाया गया। बहादुर सिंह ने जो है दोस्तों हडिंबा माता का मंदिर बनाया है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में पड़ता है। आगे चलिए, यहीं पर दोस्तों मैं विहंग मणिपाल की आपको बात बता रहा था कि इलाहाबाद के राजा थे है ना। अगर पूछा जाए कि जो कुल्लू है दोस्तों ये वास्तविक निवासी कहां के हैं, तो दोस्तों ये वास्तविक निवासी हैं औदुम्बर, औदुम्बर के। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जो आपकी चार पुरानी रियासतें रही वो रही त्रिगर्त, कुल्लूत, कुलिंद और औदुम्बर। तो दोस्तों जो कुल्लूत है वो सेकेंड ओल्डेस्ट रियासत है। सवाल कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, तो वहां पर दोस्तों कुल्लू हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत है। आगे लिखिए, इसकी जो राजधानी उन्होंने रखी थी दोस्तों वो रखी थी जगतसुख। कुल्लू की जो राजधानी रखा गया था वो किसे रखा गया था दोस्तों, जगतसुख को कुल्लू की राजधानी रखा गया था। एक राजा है दोस्तों उन राजा का नाम है राजा राजेंद्र पाल, राजा ये जो राजा राजेंद्र पाल है दोस्तों ये क्या करते हैं कि कुल्लू की राजधानी दोस्तों नगर को बना देते हैं, नगर। अरे वाह, नगर, नगर तो दोस्तों बहुत ही जरूरी जगह है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इस नगर में दोस्तों एक रॉरिक आर्ट गैलरी है, यानी कि आर्ट गैलरी है ये, रॉरिक आर्ट गैलरी जो है दोस्तों कुल्लू के नगर में स्थित है, जो निकोलस रॉरिक निकोलस रॉरिक से संबंधित है। अगर आपको पूछा जाए कि निकोलस रॉरिक कहां से संबंधित हैं, तो दोस्तों ये रूस से संबंधित हैं। ये कहां से संबंधित हैं? रूस से। आगे चलिए, हम बात कर रहे थे दोस्तों राजेंद्र पाल के द्वारा जिन्होंने राजधानी नगर को बनाया।
अगर पूछा जाए दोस्तों कि कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो दोस्तों उनका नाम था जगत सिंह। कुल्लू के जितने भी राजा हुए उनमें जो सबसे शक्तिशाली जो राजा बनते हैं दोस्तों, उन राजा का नाम है राजा जगत सिंह। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है कुल्लू के। इन्होंने क्या किया दोस्तों, राजधानी नगर से चेंज करके कर दी सुल्तानपुर। इन्होंने राजधानी नगर से बदल करके कहां कर दी दोस्तों, सुल्तानपुर इन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दी। हाँ, अब आप सभी जानते हैं कि कुल्लू का एक त्योहार बहुत ज्यादा फेमस है, दशहरा। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर आप दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो दोस्तों उतने ही जल्दी मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के बाकी बचे हुए जिलों के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। हमारे भाई ने हमें कमेंट किया था कि चंबा के बाद जो आप डिस्ट्रिक्ट लाए वो डिस्ट्रिक्ट रहनी चाहिए कुल्लू, तो हमने उनकी बात सुनी। शायद उनका नाम अक्षय सूद जी है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दशहरा, तो दशहरा दोस्तों कुल्लू में बहुत ज्यादा फेमस है। यहां से जिन व्यक्ति का नाम जुड़ता है दोस्तों, वो व्यक्ति है दामोदर दास। उन व्यक्ति का क्या नाम है दोस्तों, दामोदर दास। यही वो व्यक्ति है दोस्तों दामोदर दास, जो 1653 में 1653 ईस्वी में दोस्तों रघुनाथ जी की प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाए। रघुनाथ जी की प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाए, यही व्यक्ति दोस्तों दामोदर दास, ठीक है। और दशहरा दोस्तों कुल्लू का बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो आपने याद रखना है। आगे चलिए, ये जो कुल्लू है दोस्तों, यहां पर दोस्तों 1806 में सिखों ने इस पर राज किया। पूछा जा सकता है आपको कि 1806 ईस्वी में ये इसके बाद किसने राज किया, तो दोस्तों सिखों ने राज किया। और 1846 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स और सिख, ठीक है, 1806 में दोस्तों सिखों ने राज किया और 1846 में ब्रिटिशर्स ने। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे चलिए, कुल्लू ऐसा जिला है दोस्तों जहां पर सबसे कम आबाद गांव है। सबसे कम आबाद गांव कहां पर है, कुल्लू में। सबसे कम आबाद गांव जो है वो आपके कुल्लू में है। कुल्लू 1846 में दोस्तों ब्रिटिशर्स के अधीन रहा। 1963 ईस्वी में दोस्तों कुल्लू जो था कांगड़ा जिले से अलग हो गया, पहले ही कांगड़ा जिले का हिस्सा था। पूछा जाता है दोस्तों कि त्रिगर्त में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू या ऊना, तो दोस्तों ऊना नहीं आता था, कुल्लू आता था। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों 1963 में कुल्लू जो था कांगड़ा जिले से अलग हो गया और पंजाब का जिला बना। कहां का जिला बना दोस्तों, पंजाब का एक जिला बना कुल्लू, कुल्लू की मैं बात कर रहा हूं। और ये हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा बना है दोस्तों, ये बना है 1 नवंबर 1966 को। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को दोस्तों हिमाचल प्रदेश को विशाल हिमाचल का दर्जा दिया गया। इसी दिन पहाड़ी दिवस मनाया जाता है और पंजाब अपना इसी दिन पूर्ण राजस्व दिवस मनाता है। तो तीन चीजें आप ये भी लिख लेना। कुछ किताबें दोस्तों कुल्लू से काफी ज्यादा जरूरी लगती हैं, तो उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहली जो पुस्तक है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, तो इसके जो आपके ऑथर हैं दोस्तों, उनका नाम है एपीएफ हारकोर्ट।
एक और पुस्तक है दोस्तों, कुलत देश की कहानी। इसके जो ऑथर है दोस्तों वो है लालचंद पारथी। लालचंद पारथी, ये लालचंद पारथी दोस्तों इस बुक के ऑथर तो है ही है, और साथ में दोस्तों ये कुल्लू के पहले मंत्री भी हैं, कुल्लू के सर्वप्रथम मंत्री। कुल्लू की बात कर रहा हूं हिमाचल के नहीं, कुल्लू के जो पहले मंत्री हैं दोस्तों वो भी कौन है, लालचंद पारथी जी ही कुल्लू के पहले मंत्री हैं। कुल्लू में दोस्तों आपको झील पूछी जा सकती है, तो कुल्लू में एक बहुत ही फेमस झील है, जिस झील का नाम है बरदोसर झील, शायद आपने ना सुना हो परंतु लिख दीजिए बरदोसर। जो बरदोसर झील है दोस्तों वो जो है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जो ब्रिटिश प्रकार के सेब दोस्तों लगाए गए थे वो कुल्लू में ही सर्वप्रथम लगाए गए थे, और वो लगाए गए थे आरसीसी ली के द्वारा 1870 में। आरसीसीली के द्वारा दोस्तों 1870 में ब्रिटिश प्रकार के सेब सर्वप्रथम कहां लगाए गए, कुल्लू में, ब्रिटिश सेब कब लगाए, 1870 में सर्वप्रथम आरसीसीली के द्वारा लगाए गए। ठीक है दोस्तों, बाकी आप जानते हैं कि निरमंड मलाना गांव है ना, जो बेसिक बेसिक सवाल है। बाकी जो कुछ सवाल दोस्तों बचेंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे, जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा दोस्तों। और साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्स दोस्तों आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं जल्द ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों दोबारा से वही कहूंगा कि लाइक कीजिए, और इसी से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद, उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा जाए।